कुछ टाइम पहले मैंने एक स्टेटस लगाया था जिसमें मैंने सभी से पूछा था कि ड्राइंग किस किस को सीखनी है, तो काफ़ी सारे मेरे पास मैसेज आए थे और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हमें भी ड्राइंग सीखनी है। तो अब मैं एक सीरीज लाने वाला हूँ कंप्लीट, कम से कम मैं 10-11 वीडियो लाने वाला हूँ। तो सभी वीडियो में मैं अलग अलग पार्ट ड्रॉ करना सिखाऊँगा, क्योंकि अगर आप एक फेस कम्प्लीटली ड्रॉ करते हैं तो वो नहीं बनता है। अगर आप एक बिगिनर हो और डायरेक्टली किसी भी फेस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो वो नहीं बनता है, क्योंकि हमें शेप्स का पता नहीं होता कि लिप्स और नोज आइज इन सब की शेप्स कैसे होती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को मैं इस सीरीज़ में सिखाने वाला हूँ, और जो आखिरी वीडियो होगी उसमें मैं कंप्लीट फेस ड्रॉ करके दिखाऊँगा और उस 4 से 5 मेथड में आपको बताऊँगा जिनकी मदद से आप इजीली फेस को ड्रॉ कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उस चीज़ की बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उस चीज़ की बेसिक्स पता है तो आप उसको ईजिली सीख सकते हैं। तो ड्राइंग में भी कुछ ऐसा ही है, अगर आपको कुछ बेसिक सी बातें पता है तो आप ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं और ईजिली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आने वाली वीडियो होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आप ये चीज़ करते हो तो आप इजीली फ्लो बना सकते हो पेपर पे, क्योंकि जो बिगिनर होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। और बिगिनर ही नहीं, जो आर्टिस्ट होते हैं बड़े बड़े वो भी रोज़ इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ड्राइंग के लिए, और जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है वो उतनी अच्छी ड्राइंग बना सकता है। पर कुछ बेसिक चीज़ें बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, अगर हमें बेसिक चीज़ों का नहीं पता है तो हम ड्राइंग नहीं बना सकते। जैसे कि लाइन हो गई और सर्कल हो गया, एलिप्स हो गए और जिगजैग वगैरह लाइन हो गई, तो इन सब चीज़ों को मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है सुनील कश्यप और आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड आर्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई भी एक पेपर ले लेना है और एक पेंसिल ले लेनी है और उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्टिंग हम गाइस सर्कल से करेंगे। सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, ऐसे फ्लो बनाना है पेपर पे और फिर सर्कल ऐसे एक बारी में बना देना है, बार बार उसको नहीं बनाना है, एक बार में बनाया और छोड़ दिया। और ऐसे ही आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और आप रोज़ सर्कल बना बना के देखें। और जब आप ऐसे लाइन की प्रैक्टिस करें तो आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में आपसे ये शायद ना हो, आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी तब आप अच्छे से इसको कर सकते हो। इससे होता क्या है, ये देखने में तो बहुत बोरिंग लगेगी पर ये बहुत मेन चीज़ है ड्राइंग के लिए। अगर आपको ये सब चीज़ें आ गई तो आप ड्राइंग बहुत इजीली तरीके से कर सकते हो, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से पेपर पे अच्छा फ्लो बनता है। अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं खींच सकते तो आप ऐसे दो डॉट बना के उनको मिलाने की कोशिश करें, तो आप ऐसे इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्विकली ड्रॉ करना है तो आपको सर्कल और लाइन अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप ना ही किसी स्केल का यूज़ करते हो ना ही किसी प्रकार वगैरह का, क्योंकि आप डायरेक्टली कुछ भी ड्रॉ करते हो। तो ये चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है ड्राइंग के लिए, तो आप इनकी बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। सर्कल और लाइन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्राइंग में। अगर आपको ये 2-3 चीज़ें आती हैं तो आप काफ़ी अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं, क्योंकि पेपर पे फ्लो होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा पेपर पे फ्लो नहीं होता है इसलिए हम ड्राइंग इजीली ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। जैसे हमें किसी भी चीज़ को शेप देनी होती है तो इजीली ऐसे फ्लो होना चाहिए, जो कि सर्कल और लाइन से आता है। तो सर्कल और लाइन बनाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप रोज़ 5 से 10 मिनट इसकी प्रैक्टिस करो और करते रहोगे आपको एक अच्छी ड्राइंग आ जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय।